चलिए एक बार फिर मैं आप लोगों के समक्ष आया हूं दी एम के शो के सेकंड सीजन में एक नए गेस्ट को लेकर। लेकिन ये गेस्ट औरों से अलग है क्योंकि मेरे साथ उनका एक और किस्म का नाता है। मैं एक बहुत बड़े एक्टर के लड़के हैं, बहुत शालीन, बहुत ही संस्कारमयी, बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी वाले, अच्छी एक्टिंग की स्टाइल वाले एक सफल एक्टर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किरण कुमार जी की, जिनके साथ मैं इन पिछले 40 सालों में मैं कई बार काम कर चुका हूँ। इनके पिता श्री जीवन जी भी मेरी पहली फिल्म खूनी में थे, मेरे कौंसिलगिरी बनते, मैं गॉडफादर था। सो, आज मैं चाहता हूँ कि हम उनके सिर्फ और सिर्फ फिल्म करियर के बारे में नहीं, हम ये जानने के, मैं ख़ास तौर पर जानना चाहता हूँ कि उनका आध्यात्मिक लेवल क्या है, बिकॉज वो आध्यात्मिक बातें करते हैं। मैं से जब फ़ोन करता हूँ और ख़ास तौर पर भोला की बात करते हैं, शिव जी की बात करते हैं, मैं आज उनको जानना चाहूँगा कि वो कितना उसमें, उनको कितना अंदर घुसे हुए, क्योंकि काफ़ी घुसे हुए हैं। तो आइए, चलिए हम आपको मिलाते हैं इस खूबसूरत पर्सनैलिटी वाले मालिक को किरण कुमार जी से। वही करो जो सही है, सब सही हो भैया, बिल्कुल सही है। नमस्कार। ये तो मैं समझता मैंने सपना देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सपने देखे कि आप आएंगे, आप आए। नाइस ऑफ यू टू कम। मैंने फोन किया, आप आ गए, आप बातें बहुत सर बैठे, यही बैठ के बातें कर, ढेर सारी बातें करनी है। जी जी, थैंक यू भाई जी। भाई जी कहने वाले सिर्फ यही है, मतलब इनको अगर भाई जी का नाम ले लो तो इंडस्ट्री समझ जाती है आप किरण कुमार जी की बात कर रहे हैं। देखिए क्या है ना, मैं आपको बताऊं, भाई जी के पीछे एक बहुत बड़ा एक रीजन है। भाई जी होते हैं ना, डॉन होते हैं भाई, ये भाई, वो भाई, ये भाई, मैं भाई जी हूँ तो मैं सबसे बड़ा डॉन हूँ। ये बात भी सही आपकी, भाई का भी भाई। चलो भैया, भाई जी एक काम करते हैं, आपके काम से तो इंडस्ट्री आपको बहुत जागती है। आपके काम से मतलब कितनी फिल्में की वो बाद में पूछूंगा मैं आपसे। मैं आपको जानता हूं कि आप एक वर्क अल्कोहलिक हो, ये एक शख्स हैं जो वर्क के बगैर नहीं बैठ सकते। मतलब मैं तो टाइम मिलता है तो सो जाता हूं, ये सोते भी नहीं। मैं एक चाहूंगा कि पब्लिक को भी और मुझे भी थोड़ा सा अगर आप अपनी पास्ट अपनी रिवाइंड करके कहाँ से शुरुआत की आपने। मैं आपको मैं बताऊँ, आपके लिए मैं एक स्टार्ट देता हूँ। कब देखा था मैंने आपको जिंदगी में पहली बार, आप मानोगे नहीं, मानोगे आपको शायद मालूम भी नहीं पड़ा होगा, मैं इंस्टीट्यूट में था। हम लोग फर्स्ट ईयर ना, हमेशा ऐसे होता है, फर्स्ट ईयर वाले सेकंड ईयर वाले ऐसे हो जाते हैं, और आप लोग कभी कभी विजिट करते थे। तो उस वक्त आप महेंद्र संधू, रजा भाई, ये चार पांच लोग आए थे, और आप लोगों की देखना एक वो होती है एयर की, यू आर द सीनियर्स यू नो, एंड आई सॉ यू, ऐसे ये बहुत आप हैंडसम लग रहे थे। हैंडसम तो छोड़िए, मैं कहूँगा कि आप खूबसूरत लग रहे थे। मैंने कहा ये कौन कैरेक्टर है, एकदम ये ना नाक, आपकी नाक ऐसी है, वो है, और फेयर। सुनने का सर ये जीवन सबके लड़के हैं। मैंने कहा हाँ, किरण जीवन, हाँ। एंड आई वॉज अट्रैक्टेड, इवन महेंद्र संधू भी यू नो अपने आप को रखते देख लेना, बट आई फाउंड यू, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू। उसके पहले आप जीवन साहब के लड़के हैं, आपने इंडस्ट्री में कदम कैसे रखा? जीवन साहब को तो सब जानते हैं, आप बताने की कोशिश करेंगे कहां से आपकी शुरुआत हुई फिल्म की तरफ स्पेशली, और कहां से लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर कि वेयर हैव यू कम फ्रॉम। लेट्स लेट मी रिवाइंड माय लाइफ फॉर यू एंड फॉर द व्यूअर, फॉर द व्यूअर्स। तो मैं ये कहूंगा आपसे कि देखिए, मैं एक फिल्म फैमिली में पैदा हुआ, या
मेरे फादर एक्टर थे, और बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ कि मेरी शुरुआत पहले बार मैंने कैमरा कब फेस किया, ये आपको मैं अभी सुनाऊंगा। तो फिल्म फैमिली में बिलोंग मैं पैदा हुआ, और बचपन से ही यही था कि कुछ भी करना है तो फिल्म में ही करना है, डायरेक्टर बनना है, एक्टर बनना है, जो भी करना है इसी इंडस्ट्री में करना है, क्योंकि मेरे लिए इंडस्ट्री जो है सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि मेरे लिए ये एक पूजा है, एक मंदिर है मेरा। देखिए जिस तरह आपका ये स्टूडियो है ये आपके लिए मंदिर होगा, होना भी चाहिए, वर्क स्थल होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने हमेशा थोड़ा सा संस्कारी इंसान हूँ, थोड़ा सा बहुत संस्कारों में यकीन करता हूँ, ऊपर वाले की शक्ति और ताकत में यकीन करता हूँ, और भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा सर पे रहता है। खैर उस पर बाद में आएंगे। अब मैं स्कूल में बॉम्बे में जब पढ़ रहा था, अब यू बिलोंग टू बॉम्बे और कश्मीर? आई वाज बोर्न इन बॉम्बे, पर आपकी फैमिली? अभी मुंबई कर। आप लोग फैमिली कश्मीर से? माय फैमिली इज फ्रॉम गिलगित। गिलगित, गिलगित जो है वो पीओके में है, पाकिस्तान और कश्मीर में, जहाँ पर गिलगित और बल्टिस्तान जो है, जो पहले हिंदुस्तान में था। जी जी, तो वो पहले हिंदुस्तान ही था, वो अफगानिस्तान तक हिंदुस्तान, हाँ वो भारत का हिस्सा था। खैर मैं स्कूल में पढ़ता था, लेकिन थोड़ा शरारती था मैं। मेरा एग्रेशन जो है वो मेरे नेचर के अंदर बना हुआ है। अच्छा, आई एम बेसिकली, आप जानते हो मुझे, मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता हूँ। आप एकदम एग्रेसिव रहते हैं। मैं जिंदगी हमेशा एक एग्रेशन से जी है और एक पैशन से जी है। अब मैं बहुत छोटा था, मैं हूंगा करीबन 7-8 साल का हूंगा, तो अभी तो खैर वो स्टूडियो नहीं है, तो आरके के पीछे एक स्टूडियो होगा, आरके स्टूडियो के पीछे चेंबूर में, एसएल नहीं नहीं एक और भी था, हाँ एक और था बिल्कुल आरके के पीछे। अच्छा, उसका नाम था बसंत स्टूडियो। बसंत, ये सुना? जी हाँ। तो मेरे पिताजी का एक एक बहुत ही बड़ी ख्याति उन्होंने अपने जिंदगी में कायम की है कि वो एक एक्टर थे जिन्होंने एक पर्टिकुलर रोल 61 अलग अलग मुख्तलिफ फिल्मों में निभाया है, नारद की भूमिका। मेरे फादर नारायण नारायण जिस तरह नारायण नारायण मेरे पिताजी बोल सकते थे, कोई नहीं बोलता, मुझसे कहते भी थे कि नारायण का नाम इतनी बार ले लिया कि सारे जो पाप है वो धुल चुके हैं। खैर तो मुझे बसंत, मुझे जब भी माइथोलॉजी की फिल्मों की शूटिंग होती थी ना, तो मुझे जाना बहुत अच्छा लगता था, बिल्कुल मुझे अच्छा लगता था। हनुमान जी को तख्ते पे लटाया हुआ है, ऐसे उड़ रहे हैं हवा में, तख्ता खींच रहा है, स्पेशल इफेक्ट वो ओके हो रहा है, तो उस वक्त VFX तो था नहीं, केबल लगा खुद करना पड़ता था, केबल हवा में उड़ते हुए आए, नारद जी आए उड़ते हुए आए, वीणा उनके हाथ में है, तो वो सब चीजें होती थी, वो सब देख के मैं बहुत फैसिनेट होता था, मजा आता होगा, बहुत मुझे फैसिनेट होता था। तो मैं हमेशा पापा को बोलता था, पापा जब भी नारद जी की शूटिंग हो मुझे, मैं साथ में चलूंगा। तो उस दिन नारद जी की शूटिंग थी तो मैं चला गया, और उनके फेमस, बहुत ही फेमस डायरेक्टर हुआ करते थे माइथोलॉजी की फिल्मों को, जिनका नाम था बाबू भाई मिस्त्री। बाबू भाई मिस्त्री कौन नहीं जानता, मतलब ही वाज़ मनमोहन देसाई ऑफ माइथोलॉजी का फेमस, आई मीन बाबू भाई मिस्त्री किंग ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स। बाबू भाई मिस्त्री वाज़ अ कैमरामैन, ही वाज़ कैमरामैन, बट डायरेक्टर प्रोड्यूसर, कैमरामैन जो प्रोड्यूसर, यस। तो चला गया मैं शूटिंग करने, उस वो फिल्म बन रही थी कुछ लवकुश के बारे में बन रही थी। अच्छा, रामराज के, लवकुश के बारे में फिल्म बन रही थी, और बाहर जो था आउटडोर में एक कुटिया का सेट लगा हुआ था, जो ऋषि की जो कुटिया थी जहां पर लवकुश पैदा होकर बड़े होते हैं सीता के साथ। हाँ, हाँ, तो वो सीता माँ के साथ थे, और एक सीक्वेंस था जहां पर श्री राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं, घोड़ा छेड़ते हैं, जो जो घोड़ा नहीं नहीं जो जो घोड़े को सम्मान देगा, यानी वो आपके साथ है, जो घोड़े को पकड़ लेगा उसके साथ आपका युद्ध हो जाता है। ओके, तो ये उसका प्रिंसिपल था, ये प्रिंसिपल। ओके, खैर नहीं आपको तो मालूम होगा, मैं ऑडियंस के लिए बता रहा हूँ। नहीं, मैं भी तो कहूँ कि मुझे पता है, मैं जान गया। आई एम श्योर आप अश्वमेध यज्ञ था, करेक्ट। आप तो पंडित हैं वैसे। सर पंडित तो मैं हूँ ही, पर नहीं मैं जानता हूँ, पंडित हूँ मैं, मैं आपको जानता हूँ अच्छी तरह से, जितना आप मुझे जानते हो शायद उससे ज्यादा मैं कबूल करूंगा, आप मुझे उतना ही जानते हैं। सीक्वेंस था कि घोड़ा दौड़ता हुआ आ रहा है, सफेद घोड़ा था मुझे याद है, घोड़ा दौड़ता हुआ आया और उसमें से लव कुश जाके उस घोड़े को पकड़ लेते हैं। अब क्या हो रहा था कि जैसे घोड़ा वहां से भागता था, वो फाइट मास्टर उसको चाबुक मारता था, भागता था हमारी मतलब कैमरे की तरफ दौड़ता था, तो बच्चे जो थे वो एक शायद होगा 12-14 साल का होगा, मुझसे बड़ा था उम्र में, और एक दूसरा भी 10-12 साल का होगा, मैं बहुत छोटा था, 8 साल का था मैं। तो वो जैसे घोड़ा अपनी तरफ दौड़ते हुए देखे, वो डर के मारे ना भाग जाते थे, वो कैमरे के पीछे भाग जाते थे। तो मैं देखता था, मेरा बड़ा अजीब सा लग रहा था मेरे को कि हम मतलब सब देख रहे, बाबू भाई मिस्त्री ने एक शॉट दो शॉट उस वक्त रिटेक्स में, जो फिल्म होती है महंगी होती, महंगी होती। तो
तो भावे ने बोला यार ये क्या, कौन बच्चों को इसको ले आओ तुम यार, क्या है, छेड़ने लग गए वो। तो सडनली उनकी नजर मुझ पर पड़ी, तो मैं बैठा था अपने डैड के साथ कुर्सी पे, छोटी सी स्टूल पे बैठा हुआ था। तो रघुनाथ दादा पापा के मेकअप मैन होते थे, वो साथ में खड़े थे। तो बोले कि जन भाई एक बात पूछूं। बोला बच्चा जो है खूबसूरत बच्चा है, बिल्कुल लगता है लव कुश, पहले में होता तो मैंने इसको कास्ट कर लिया होता आपको देख के। बोला हाँ, तो मैं एक बात पूछूं बच्चे से। बोला हाँ भाऊ भाई प्लीज पूछे। बोला बेटा फिल्म में काम करना चाहोगे? ऑफकोर्स कमाल, माय पैशन वाज फिल्म्स। आई सेड हाँ बिल्कुल। तो बेटा ये घोड़ा जो है ये जब दौड़ते हुए आएगा उसको तू पकड़ लेगा? हाँ पकड़ लूंगा। बोल लगना देगा जल्दी से इसको, धोती पहनाओ। धोती पहनाई उन्होंने, एक चुंडा सा हो के था, एक वैसा था वो बांध दिया ऊपर सिर के ऊपर, उसमें कुछ रुद्राक्ष के बीट लगे हुए थे जूड़े में, और हाथ में वो तीर कमान का दे दिया। ऑरेंज कलर की धोती थी, बाकी ओपन बॉडी था, एक ऊपर ऐसा कुछ था, कुछ जनेऊ होगा, ना जनेऊ था। तो बोले ठीक है। तो भाऊ मैंने खड़ा करते बोला बेटा जैसे वो घोड़ा दौड़ते हुए आएगा ना, तो जाके ना खाली घोड़े के पास जाके खड़े हो जाना है, पकड़ लेना उसको, अगर पकड़ सके तो खड़े भी हो जाएगा तो चले, लेकिन भागना नहीं। बोला नहीं मैं भागूंगा नहीं, मैं क्यों डरता हूँ, मैं डरता नहीं किसी चीज से, आज भी नहीं डरता हूँ। तो जैसे घोड़ा निकला मैं दौड़ता हुआ गया घोड़े की तरफ, जैसे घोड़ा यहाँ से आ रहा था मैं यहाँ से दौड़ता हुआ शुरू हुआ, कैमरे के पीछे था, कैमरा इधर लगा हुआ ऐसे लगा पीछे से। हाँ, तो मैं यहाँ से दौड़ता हुआ गया और जाके घोड़े के पास गया और घोड़े को पकड़ लिया, और घोड़े को पकड़ के जो रखा था उसको पकड़ के और साइड में अपना पाँव डाल के मैं घोड़े पर बैठ गया। क्या बात कर रहे हो जी। अब सेट पे तो सब दंग हो गए, तालियां बजने लग गए, तालियां बजने। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड कि एक्टर को जब क्लैप पड़ती है तो उसका उसके दिल में क्या असर होता है, क्लैप, हाउ डज ही फील अबाउट इट, दैट क्लैप, यू नो दैट क्लैप हॉन्ट्स मी। जो ताली थी ना वो मुझे आज भी हॉन्ट करती है। पूरा सेट तालियां बजा रहा, और बाबू भाई आए, मुझे घोड़े से उतारा, किसकी आई है क्या, मेरे फादर वाज वेरी प्राउड, आई कुड सी माय फादर सिटिंग ऑन द स्टेज। वो उठे नहीं दिखाने के लिए कि मैं बाप हूं, तो मैं देखते ले, तो मुझे खाली देखता, मेरे फादर ने से देखी चीज की क्या है, इतना किया मुझे याद है, ऐसा किया और गले लगा लिया। फिर बाद में मुझे फिर बाबू भाई आए कि जिन भाई मैंने वो इनकी 4-5 दिन शूटिंग की है लव कुश वालों की, तो ये तो बच्चे ने तो कर लिया ये सीक्वेंस, तो हालांकि तो ये कंटिन्यू करेगा? बोला कि नहीं बाबू भाई, इट्स टू यंग, जब 8 साल का है इसके, आई डोंट वांट टू मेक माय सन अ चाइल्ड एक्टर, सो प्लीज अभी बहुत छोटा है, और मैं 8 साल का है सिर्फ, सो नहीं। बोला ये शॉट दे दिया तो आप इसको? बोला नहीं, वो तो मैं डुप्लीकेट का वो कर लूँगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे डुप्लीकेट भी नहीं मिल रहा था, लेकिन ये लड़का जो था इसने परफेक्ट किया, तो आगे का काम अगर करना है तो वो कर लेंगे। बोले नहीं नहीं बाबू भाई, तो उन्होंने मैनेज कर लिया, मैं मेरा वो शॉट है, इतना शॉट आपका लगा, मेरा वो शॉट है, लेकिन उसमें मेरा फेस इतना क्लियर नहीं दिखा सकते थे क्योंकि छुपाना है, क्योंकि लव कुश को लेकर लेकर। तो सर आई स्टार्टेड माय दिस वाज माय करियर एज अ डुप्लीकेट फॉर एन एक्टर, दिस डुप्लीकेट फॉर अ नो नो फॉर अ लव कुश, या या आई स्टार्टेड माय करियर एज अ डुप्लीकेट, एज अ फाइटर डुप्लीकेट। एंड सबसे बड़ी बात यह हुई कि वो जो तालियों की जो गड़गड़ाहट, जो गूंज मैंने अपने कानों में सुनी, वो मेरे कानों से सीधा मेरे दिल में उतर गई मुकेश भाई। And I realized ki how important it is to work and take the claps in your life. Nasha hota. Nasha hai. It's like getting drunk. Getting drunk. And mujhe abhi yaad ho, bada bade note hua karte the us 100 ke. Remember? 100 ke bade. 100 ke jo note hote the wo itne aise bade hote the. And pack up hua. To babu bhai mujhe bithaya, god mein bithaya. Aur 100 rupaye ka note jo nikal ke naya itna bada note. मुझे दिया बेटा। तो बोला नहीं नहीं अंकल, नहीं नहीं पापा ने कहा कि बेटा ये आशीर्वाद समझ के रख लो, कीप इट। एंड हाईलाइट ये हुई कि जब मैं अपने गुजरात के अंदर मैं स्टार हुआ हूँ, मैं स्टार था, मैं ऐसी फिल्में नहीं करता था, मैं हमेशा एक्शन ओरिएंटेड फिल्में करता था, मैं मॉडर्न फिल्में करता था, मैं जीन्स, आई इंट्रोड्यूस जीन्स टू गुजरात फॉर द फर्स्ट टाइम। या यू आर अ स्टार ऑफ गुजरात फिल्म। I introduced jeans in Gujarat films for the first time. किसी ने उससे पहले फिल्मों में जीन्स नहीं पहनी थी। I was the one who brought it. तो अब मुझे एक दिन फोन आया बाबू भाई मिस्त्री का, बोला कि किरण बेटा I want to talk to you. तो मेरे फादर भी थे, तो I was star at the time.
तो बोले कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ अमर सिंह राठौड़, उसमें एक पठान का रोल है जो अमर सिंह को बचाता है, बहुत कमाल का रोल है, मतलब वो हीरो है वो, तो मैं चाहता हूँ वो रोल तू करे। सर मैं स्टार था, ऑलरेडी गुजराती में स्टार बन चुके थे, बन चुका था, आई वाज मतलब आई हैड माय ओन फैन फॉलोइंग, तो मैंने सोचा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो बोला अंकल मैं आपको फोन करके आपसे आई विल गेट बैक टू यू। बोला नहीं बेटा मैं चाहता हूँ तो वो रोल करें, तो फ़ोन बंद किया। मैंने पिताजी से पूछा कि पापा ऐसा ऐसा आया है फ़ोन, बाबू है मिस्त्री का, करूँ नहीं करूँ, तो वो चाह रहे हैं कि मैं ये रोल करूँ, तो पापा वो मैं सोलो करता हूँ फिल्म में, मेरे साथ और कोई हीरो होता नहीं, मैं सोलो फिल्म में करता हूँ। ये एक बहुत अच्छा रोल है, हीरो ही है, लेकिन उसमें एक और हीरो उपेंद्र त्रिवेदी साहब जो थे बहुत सीनियर, उपेंद्र त्रिवेदी वो अमर सिंह कर रहे थे, जी जी, दिलीप कुमार ऑफ आई थिंक गुजराती फिल्म्स, या ही वाज काइंड ऑफ, या एंड बोला मैं उपेंद्र भाई के साथ करने की मेरे को जरूरत ही नहीं, मेरा अपना एक मार्केट है। तो बोले बेटा रिमेंबर बसंत स्टूडियो, ही टोल्ड यू दैट, या रिमेंबर बसंत स्टूडियो, याद आया, मैं भूल चुका था थोड़ा, मुझे याद नहीं था, मेरे पापा ने मुझे याद दिलाया कि बसंत स्टूडियो में उस दिन क्या हुआ था, कैसे तुम घोड़े पे कौन बच्चा बैठा था वो मुझे नजर आने लग गया। सो फॉर मी दिस वाज माय बिगनिंग इन फिल्म्स मुकेश भाई, तो बट बिकॉज ऑफ माय लॉयल्टी, यू नो आई एम अ वेरी लॉयल पर्सन, यू आर, या देखिए मुकेश भाई क्या होता है ना, दोस्ती के रिश्ते बहुत, आई रिमेंबर भाई आपने मेरे आर्यमान के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमने किसी होटल में किया था, आप आए थे और स्टेज पे आपको मैंने माइक दिया, आपने बहुत खूबसूरत लाइन कही थी, आपने बोला ये बहुत ही मुकेश खन्ना इज अ वेरी गुड सोल, बहुत अच्छी आदमी है ये, बहुत आपने मेरी तारीफ। भाई क्या होता है ना कि बिकॉज ऑफ माय स्पिरिचुअल लीनिंग्स आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन, मैं आपकी तरह व्रत नहीं रखता हूँ, आप रखते हो? नहीं मैं नहीं अभी रखा मैंने, आप पहली बार मैंने एकादशी का रखा, हाँ नहीं मुझे याद है आप फ्राइडे के दिन वो गोला चना खाते थे, 20 साल रखा था मैंने संतोष, वो मैं वो मुझे मालूम है, पता है इनको देखिए सब मुझे मालूम है। खैर आप रिलीजियस हो टू सर्टेन एक्सटेंट, हां टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट आई एम नॉट बेसिकली अ रिलीजियस पर्सन, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, मुझे लगता है इज अ रिलीजियस, नो 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 सर, देयर अ बिग डिफरेंस, सर डिफरेंस है बीइंग स्पिरिचुअल and being religious, in religious you have to follow a particular ritual, rituals, yeah. You have to follow this, kya aaj ekadashi hai, aaj amavas hai, aaj ye hai, mere liye har din ek jaisa hai, that is spiritual, mere liye har din ek jaisa hai, believe karte mere liye har din ek jaisa, main ye nahi soch, main ye meri jo tuning hai mere bhole ke sath, kya baat, kyunki mera jo bhola hai mujhe kehta hi nahi ki tu ye mat kar, mera bhola kehta hai tu kar, tu sab kar, jo mera bhola dhatura peeta hai to main sharab bhi pee sakta hu, भोले की मुझे कुछ नहीं है, नहीं नहीं मैं बताऊं, मैं भोला जो है ना मेरा, इस पर मुझे टोटल फेथ है मुकेश भाई, मैं इंटरप्ट करूंगा, मैं जानना चाहूंगा, बिकॉज मैं आपको जानता हूं तब से जब हमने सावन कुमार टक की फिल्म की थी, हम कहीं पर गए थे, राजस्थान गए थे, राजस्थान गए और आप साथ वाले कमरे में सोते रहते थे, मैं आपको भाई क्या कर रहे, उठे यार बाहर निकले यार चलो वॉक करते हैं, ये करते हैं, मैंने कहा भाई आप आराम नहीं करते, बोला क्यों आराम करूं, मैं साला क्या होता है ना हमारे यहाँ पर आउटडोर में क्या होता है, किसी एक्टर एक्टर का काम होता है तो कुछ फ्री बैठते हैं, मैं सो जाता हूँ, ये बाहर घूम रहे हैं कॉरिडोर में, और फिर बोलते हैं मैं अरे यार मेरे का काम नहीं था, मैं अपनी बीवी के साथ बैठता ना जाके खाऊंगा, तो मैंने उसका रूप देखा है आपका, पर मैं जानना चाहता हूँ आपको भोला ने आपको कब अपनाया या आपने भोला को कब अपनाया, सर हिस्ट्री है इसकी कोई, सर हिस्ट्री ऐसी कुछ भी नहीं है, मैं तो शुरू से भोले का हूँ, ये हो गए बट एक वक्त होता है, मैं समझता हूँ, देखो मैं भी पहले भगवान हनुमान का भक्त था, हनुमान की मेरी एक मूर्ति होती थी यहाँ पर, आफ्टर 10 ईयर्स शिवजी का मैं फैसिनेशन होने लगा, पढ़ना शुरू किया, ये किया, मैंने शिवजी की मूर्ति लाई, सो आपकी जिंदगी में भी भोलेनाथ जी की एक आस्था बोलो या लॉयल्टी बोलो या उनके प्रति एक श्रद्धा कहीं ना कहीं तो शुरू हुई, कुछ याद है आपको? मुझे भाई ये सवाल जो है ना ये जरा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मुझे तो लगता है कि भोले के साथ जो मेरा कनेक्शन है, मुझे ये फिजिकल बॉडी मिलने से पहले से ही वो कनेक्शन है, क्या बात, आत्मा से कनेक्शन, जो फिजिकल बॉडी मुझे मिली है, जो मुझे भोले के साथ मेरा कनेक्शन न जाने कब से, मुझे लगता है कि भोलेनाथ का कहीं ना कहीं मैं कोई गण जरूर होऊंगा, गण होएंगे आप,
मुझे ऐसा लगता है आपका बिलीफ कमाल का। मैं आपके फोन में जब बात करता हूँ ना, आपकी बिलीफ से मैं हिल जाता हूँ। जी जी, मैं भी हूँ थोड़ा भोला भोले का। अब एक ही ख्वाहिश है मुकेश भाई जो मैं पूरी करूंगा, मैं मानसरोवर की परिक्रमा करने जरूर जाऊंगा। कैलाश की? कैलाश, कैलाश की मानसरोवर में जाएंगे आप? मैं कैलाश मानसरोवर जाऊंगा और कैलाश की परिक्रमा जरूर करूंगा। ऊपर कोई जा नहीं सकता है? आपने मुझे एक बार कुछ कहा था कि मैं जाऊंगा, मेरी आत्मा उसकी जो चोटी है वहां पर कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता। नहीं, बिकॉज वो चोटी जो है, आपको मालूम है जो कैलाश पर्वत है उसकी जो जियोलॉजिकल उसकी जो पोजीशन प्रॉपर्टीज है, नहीं प्रॉपर्टीज है कि जिस चीज की बनी, देखिए ये कांच का है, ये कांच की प्रॉपर्टी है, ये कांच का है, ये आपका जो फ्लोर है ये सीमेंट का है, ओके। लेकिन ये जो कैलाश की जो प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी आसपास के किसी इलाके में नहीं है। सेम नहीं, नहीं। आई बिलीव दैट, और मेरा फीलिंग चार पत्थरों से मिला हुआ है। जी हाँ जी, आई मेरा आई फील कि कैलाश का जो पर्वत जो है वो एक मीटियोर है, ऊपर से आया मीटियोर है जो आया और आके यहां पर बस गया। मानते हो कि एलियंस है शिव जी? आई टोटली बिलीव जो कैलाश पर्वत है उसके अंदर हैंगर है, कहते हैं लोग बिलीव करते हैं। मेरा मानना ये एक्टिविटी है कि उसके अंदर कैलाश का जो छत है वो खुलता है, उसमें जो स्पेसशिप निकलते हैं, कहते हैं जितने मुझे नहीं, मुझे ये फील, मेरा ये मेरी ये मानना है। उड़न तश्तरियां वहां जाती है, मैंने भी सुना। जी हाँ जी, उड़न तश्तरियां दिखने जाती है, और ब्रह्म मुहूर्त का जो वक्त होता है ना, 4 बजे सुबह, ब्रह्म मुहूर्त का जो वक्त होता है 3 बजे से लेकर सुबह 4:30 तक, वहां पर कैलाश पर्वत से आपको कई लाइटें आपको नजर आती हैं जो आगती हैं, जो कैलाश मानसरोवर में डिप करके, आपको मालूम है दो तल है, सप्तऋषि, एक राक्षस तल है, एक राक्षस तल इधर है, एक मानसरोवर इधर है। राक्षस तल में खारा पानी है, खारा पानी है हाँ, इतनी नजदीक है दोनों, और ये मीठा, लेकिन एक खारा पानी एक मीठा पानी। लोग कहते हैं कि रावण के पेशाब से बना, ये भी एक कहानी उसके बारे में सर, किसी का रावण जी जो आगे रखा था ना, तो ये बोलते हैं, मैंने पढ़ा है कहीं, इसीलिए वो है, वो जो वो हमेशा हिलता रहता है उसमें शांत, वो शांत है, और हार्डली 100 मीटर 100-200। मुकेश भाई, मेरा ये मानना है कि जिस इंसान के अंदर अंदर से ताकत होती है ना, वो हमेशा शांत बैठता है, उसके चेहरे पे शांत होता है, जो जो जिसमें कोई जर्फ नहीं होता ना, जिसके अंदर उसके अंदर उसके जिस्म में उसके फितरत में उसकी उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक टर्मोइल रहता है। सर हमारे यहाँ पर मैंने कराटे भी नहीं किया, जूडो किया है। हमारे यहाँ मशहूर है कि जब आप शुरू में कराटे या जूडो करते हैं, आपको येलो बेल्ट मिलता है, पहले व्हाइट होता है, फिर येलो मिलता है, येलो के बाद ऑरेंज मिलता है, ऑरेंज के बाद ग्रीन मिलता है, फिर ब्लू मिलता है, फिर ब्राउन मिलता है। बोलते हम मैंने जब शुरू में सीखते हैं ना, तो आप दोस्तों के इसमें उछलते रहते, जैसे वो अधजल गगरी। जी जी, लेकिन जैसे जैसे आप ब्लैक बेल्ट बनते हो ना, मैंने सुना है कि हाथ ऐसे हो जाते। जी हाँ, वो जो आप बात कर रहे हैं कि आप शांत हो जाते हो, उसको मतलब कि एक मैं मारूंगा ये गिर जाएगा। जी करेक्ट, यही बात आप बोलना चाहते हैं। जी हाँ जी, जैसे जैसे आपका ज्ञान बिल्कुल 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 यही बोल रहा हूँ। तो अब ये मेरी तो इनिशियल शुरुआत की जो बात, जो जो आप जो हिस्ट्री थी वो मैंने आपको और आपको सुना दी है। और आपने एक बात नहीं सुनाई, ये मेरे को आपने सुनाई थी, आपने कहा था एक दिन मैं जाऊँगा कैलाश मानसरोवर मुकेश, वहाँ पर मैं जाके मैं वहाँ पर कहते हैं कि मैं मानसरोवर में टेंट वेंट में सोते हैं, बोलते मैं सोऊंगा और मेरी आत्मा ऊपर जाके मिलकर आएगी। हाँ सर, ये आपने मुझे, ये मुझे मालूम है, ये होगा। मैं होटल में नहीं ठहरूंगा, मैं मानसरोवर के किनारे एक छोटा सा विनायल का येलो कलर का टेंट लगाऊंगा, उसके अंदर एक स्लीपिंग बैग बिछाऊंगा और वहां पर जाके मैं लेटूंगा, ओके। और फिर मैं 2:45 बजे उठ के मानसरोवर का जो 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 है वहां पर, जब मैं जो वो लाइटें नजर आएंगी तो मैं भी उस पानी में जाके एक स्विम डुबकी मारूंगा और उसके बाद आके लेटूंगा और उसके बाद अपनी आत्मा को बोलूंगा कि तू जा मिल के आ, और जब तक वो मिल के नहीं आएगी तब तक मेरी जो फिजिकल बॉडी, मैं कुछ खाऊंगा नहीं। ये मैंने उसको बोल दिया है कि तेरे को मिलना पड़ेगा, अगर तू नहीं मिलेगा तो मैं कुछ खाऊंगा नहीं, उसके बाद तभी खाऊंगा जब तू मुलाकात करेगा। तो वो पैक्ट हो चुका है, पवित्र आत्माएं जाती हैं ऊपर, शरीर को, शरीर फिजिकल बॉडी ले नहीं सकती ना सर, फिजिकल बॉडी आप लेके नहीं जा सकते, कैसे ले जाएंगे? जिंदगी के कुछ राज है मुकेश भाई जो कभी भी ह्यूमन बीइंग्स को कभी भी नहीं मालूम पड़ेंगे। सबसे पहला राज है कि भैया मृत्यु के बाद इंसान का क्या होता है, किसी को नहीं, उसका कोई जवाब नहीं दे पाता, कोई जवाब नहीं दे पाता, अलग अलग बातें करते हैं, किसी के पास जवाब नहीं। ये भी सुना है कि आपके नाखून बढ़ जाते हैं, बाल बढ़ जाते हैं, कि आपके आपकी उम्र बढ़ जाती है,
आपके सब कंप्यूटर के जो इंस्ट्रूमेंट है वो गड़बड़ा जाते हैं। हाँ? कोई ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, घबराहट शुरू हो जाती है, बर्फ शुरू हो जाती है, भाई बहुत मशहूर बात। आपको एक चीज बताऊं, आपको मालूम होगा, आई एम श्योर यू नो, यू आप इतना आपने भी आपने जो 11 आप ये सब बातें होंगी, लेकिन मैं सिर्फ व्यूअर को बताना चाह रहा हूँ कि जो शिवलिंग का आकार आप जरा गौर से देखें, उसका आकार और जो भाभा एटॉमिक रिएक्टर का जो आकार है बिल्कुल सेम टू सेम। मतलब क्या? एटॉमिक रिएक्टर, दैट मींस द शिवलिंग इज रेडिएटिंग न्यूक्लियर एनर्जी, और न्यूक्लियर एनर्जी को ठंडा करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। भाभा एटॉमिक रिएक्टर के आसपास चारों तरफ पानी है, इसीलिए हम शिवलिंग पे पानी चढ़ाते हैं, इसीलिए हम दही चढ़ाते हैं, इसीलिए हम दूध चढ़ाते हैं, हर चीज जो उसे ठंडा रखे, बेलपत्र की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, इसलिए बेलपत्र चढ़ाया जाता है। और जो शिवलिंग का जो पानी जब निकलता है उसे पिया नहीं जाता है। आप कभी भी बताइए किसी भी मंदिर में, महाकाल जाए कहीं भी जाए, वो जो पानी है उसे प्रसाद के तरह नहीं पीते, नाली में बह जाता है, उसे आप पी नहीं सकते, वो रेडियोएक्टिव पानी है। ये बात मैं मानता हूँ, रेडियो एक्टिविटी तो है, कई लोग बहुत बहुत रिसर्च कर गए, रशिया वाले पहले पहले आए थे, बोलते कोशिश करके चढ़ने की कोशिश की थी, बोला हमको सडनली घबराहट होने लगी और हम आधे में ही वापस आ गए, उनको लगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए, और मैंने मन में डिसाइड किया कि नहीं जाना चाहिए, और सडनली मैं शांत हो गया, और फिर सडनली मौसम ठीक हो गया और मैं उतर आया नीचे। मुकेश भाई, कैलाश की चोटी पर शरीर नहीं, धरातल पे आते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम भौतिकता की बात करते हैं, बिकॉज सबसे बड़ी बात है कि भौतिकता जब भूलोगे तो आप जाओगे आध्यात्मिकता की तरफ। जो आध्यात्मिक पुरुष होता है उसको धीरे धीरे इन भौतिकताओं से धीरे 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 विरक्ति शुरू हो जाती है, पर हम आप उस इंडस्ट्री का एक पार्ट है जो भौतिक है, टोटली भौतिक है, ओवर भौतिक है, इसमें वो सब कुछ होता है जो बाहर कहीं नहीं होता, ड्रामेटिक है, और इसके अंदर जो कुछ अगर सीधा रह सकता है तो रहेगा, नहीं तो फिसलन ही फिसलन बड़ी पड़ी। कुछ लोग होते हैं जो काम के लिए आते हैं, जैसे इनके फादर के सामने ये एक्टर बने, लव का रोल किया, हुआ कहाँ से, वो अंदर से हुआ होगा, और इनको एक्टर बनना था, डेस्टिनी में लिखी रहती है, और वो ताली की आवाज़ सुननी थी। सर मैं आपको बता दूं, हम ये महाभारत से मैं जानता हूं कि आप अगर एक अच्छा शॉट दे दो, तालियां बच गई, तो समझ लीजिए वो शॉट हिट है, पूरे लोग सब ताली मारेंगे उसी शॉट के ऊपर। और मैं बड़े गर्व के बाद कहता हूं कि मेरे दोस्त ने जो भीष्म किया था, मुकेश भाई ने, वो भीष्म जिस तरह मेरे पिता को रेप्लीकेट एज नारद वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता, उस तरह भीष्म को मुकेश भाई के अलावा रेप्लीकेट कोई कर ही नहीं सकता। दैट इज, एंड फॉर दैट आई एम वेरी प्राउड टू हियर, बी हियर एंड टॉक टू यू। नहीं, बस मालिक की दया है, बस बन गए। मुकेश भाई क्या बताऊं, देखिए आपके हमारी एक कनेक्शन है आपका, नहीं आपका मेरा एक कनेक्शन है, और वो जो कनेक्शन है, इंसान कितना अच्छा है या इंसान के अंदर क्या चल रहा है ना, आपको कभी भी जानना है ना तो उसके चेहरे को या उसकी आंखों को देख लो, अगर छल कपट होगा तो आपकी आंखों में छल कपट नजर आएगा, अगर आपके दिल आपका दिल साफ होगा तो आपकी साफ आंखें आपकी नजर आएगी, साफ आंखें नजर आएगी। ये बहुत जरूरी है, तभी मैं कहता हूं हमारी इंडस्ट्री पूरी फिसलन वाली है, बिकॉज़ आई नो बचा पाते हैं। भाई जी, मैंने इनफैक्ट अगर आपको अंदर की बात बताऊं, मैं एक्टरों को बुलाता हूं तो मैं उनकी जिंदगी की लाइफस्टाइल की, उनके पास्ट कहां से आए, मुंबई से थे कि बाहर से आए थे, मेरा इंटरेस्ट वो होता है, क्योंकि हमारे यहां पर हम हर एक्टर को जानते पर उनका स्ट्रगल नहीं देखा हमने किसी ने, मैं स्ट्रगल के बारे में बात करता हूं। पर आपको बता दूं, आपके मुंह पर मैंने आपको आपकी भौतिक क्रियाओं के लिए, जिसको हम फिल्म बोलते हैं, परफॉर्मेंसेस हैं, कितने फिल्म के, उससे ज़्यादा मैंने आपके स्पिरिचुअल साइड को जाना है, और मैं आज आपको बुलाने का मकसद स्पिरिचुअल साइड था। हमने अपने काफ़ी कुछ बोल लिया, अभी लेट अस कम बैक टू भौतिकता। भाई जी, कितने फिल्में की आपने? सर मैंने तकरीबन, मुकेश भाई, मैंने आई हैव डन राउंड अबाउट 600 फिल्म्स, and I have done about 6,800 episodes on television. Oh. And the journey still continues. मुझे 51 years हो गए लाइन में, मैं और रजा एक ही साथ आए थे, एंड 51 साल हो गए। पिछले दो साल आप जानते हैं कि किस तरह हम सभी घर में ही बैठे थे कोविड के बीच, कुछ काम हम नहीं हो रहा था, लेकिन अब कोविड के बाद ऐसा लग रहा है कि भगवान की दया रही है, और इस तरह फ्लड गेट्स जो होते हैं ना लाइफ के, टैलेंट के, काम के, वो खुल गए। अब मैं इतना आज की तारीख में मुकेश भाई काम कर रहा हूँ जितना शायद मैंने पहले नहीं किया। शायद इसलिए कि दो साल का ब्रेक आया, इसलिए पता नहीं, आई डोंट नो, बट दो साल का ब्रेक तो सभी के साथ आया है। हाँ, लेकिन भोलेनाथ की दया रही और काम आता रहा, काम मैं करता रहा, और कमर्शियली भी मैंने, मुझे जो
पेमेंट मुझे आज मिल रही है वो ऐसी पेमेंट मुझे कभी नहीं मिली। खैर तो देखिए मेरी अभी मेरी फिल्म रिलीज है 9 दिसंबर को मारिश इसकी तुषार कपूर की, फिर उसके बाद मेरी अजय देवगन साहब की भोला रिलीज है। भोला में आप हैं? भोला में मैं हूँ। फिर मेरे सतीश कौशिक साहब की कागज 2 रिलीज है, उसमें भी मैं हूँ। फिर एविडेंशिया जो जिन्होंने टॉयलेट एक प्रेम कथा बनाई थी उनकी फिल्म सुखी है, उसमें भी मैं हूँ। फिर एक मेरी फिल्म आ रही है न्याय, उसमें भी मैं हूँ। फिर एक फिल्म आ रही है डार्क, उसमें भी मैं हूँ। ओके, तो 8 मेरी फिल्में ऑन रिलीज हैं। अब कौन सी बन रही है उसके बारे में जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि वो लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो बाकी OTT प्लेटफॉर्म के अंदर मेरा एक उधमगढ़ करके एक मेरा शो आ रहा है जो अमेजन में आएगा। फिर मेरा एक शो स्टॉपर आ रहा है जो जहाँ पर जीनत अमान जी पहली बार डेब्यू कर रही हैं एज एन एक्टर इतने सालों के बाद। एंड इट्स स्टोरी अबाउट मिडिल एजड कपल, मैं और जीनत जी हैं उसमें। शो स्टॉपर नाम है उस शो का। फिर मैंने अभी एक बानी जी के लिए शो किया था, गुड वाइफ, बानी जी प्रोडक्शन जो बिग बॉस बनाते हैं, एंड ऑफ ऑल बानी जी, उनके लिए किया। उसमें काजोल इज डेब्यूइंग, इट्स अ स्टोरी ऑफ लॉयर्स। एवरीबॉडी इज गेटिंग इनटू OTT, सो आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क एंड आई एम थरली एंजॉयिंग। जैसे आप जानते हैं कि मैं एक वर्कहॉलिक, बहुत बड़े वर्कहॉलिक जी हां, बहुत बड़े वर्कहॉलिक। भगवान की दया, फोन करता हूं ये सर, मैं अभी कल ही फ्लाइट से आया हूं। मैंने कहा ये डेट में मैं कर रहा हूं, नहीं मुकेश मैं गोवा जा रहा हूं। वापस आते तो मैं पूछता हूँ, नहीं मैं वहाँ जा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ। तो वर्क अल्कोहलिक है, इसको तो मैं सबूत देख चुका हूँ। मैंने कहा ना जैसलमेर था वो, जैसलमेर में मैं सावन कुमार टक की फिल्म आउटडोर में बैठे हैं, बीच में ब्रेक है, मैं सो रहा हूँ। ए भाई क्या कर रहे हो? मैंने कहा साहब मैं सो रहा हूँ, आप नींद नहीं करते, आपको नींद करनी है सर। आपको एक सीक्रेट बताऊँ, वर्कहोलिक तो मैं हूँ, पैशन तो है मेरा काम, बट आई एम ऑल्सो इनसोमनिक। रात को अगर 12:30-1 बजे सोता हूँ तो एग्जैक्टली 4:45 बजे मैं उठ जाता हूँ। फिर मैं एक घंटा भर इधर उधर घूमता हूँ, अगर कोई स्क्रिप्ट है, आजकल तो स्क्रिप्ट आपको पहले इन एडवांस दे दी जाती, तो थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट पढ़ लेता हूँ, फिर नेक्स्ट शूटिंग, और फिर मैं 5:30 बजे फिर एक झपकी मारता हूँ, 6:30 बजे उठ जाता हूँ। तो 6:30 के बाद मैं ना दिन को सोता हूँ, मेरे जिस्म को शायद जो नींद की जरूरत है फक्त 5 या 6 घंटे की। तो ये अमिताभ जी भी मैंने सुना थोड़े से इंसोम्निक है, सही बात? He's a legend. उनको भी नींद नहीं आती। नहीं, लेजेंड है सर, इसलिए तो आज लेजेंड है वो। मेरे को एक छोटी सी कहानी सुनाई थी, हम लोग बड़ा मजा आ रहा था मुगल भाई, हम लोग खुदा गाँव की शूटिंग कर रहे थे बच्चन साहब के साथ, तो मैं और वो सबसे जल्दी उड़ जाते थे, हम दोनों एक ही गाड़ी के अंदर लोकेशन पे चले जाते थे उदयपुर में जब हम शूटिंग कर रहे थे, और बैठ के केले खाते थे सुबह सुबह, बच्चन साहब को केले खाते थे। ये हम उदयपुर की बात है जब हम क्लाइमेक्स कर रहे थे, और फिर हमने जुमसुम में शूटिंग की। जुमसुम जो है वो नेपाल के बॉर्डर मुक्तिनाथ के पास है, तो वहाँ पर भी हमने शूटिंग की। फिर हमने अफगानिस्तान में शूटिंग की, फिर हमने उदयपुर में शूटिंग की। तो खुदा गवाह आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क मिस्टर अमिताभ बच्चन एंड ही इज लाइक अ वायरस ना। वो आदमी अगर आपको अमिताभ बच्चन के साथ शूटिंग करने की आदत हो जाए तो फिर आपको हर जगह शूटिंग करना बहुत मुश्किल पड़ता है, पानी कम चाय लगता है भाई। ये इनके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, डड्डू सिप्पी ने बोले हमने काम किया है, जी जी पांडव में भी काम किया, पांडव में योर विलन आई वाज विद फाइव पीपल, डड्डू का मैंने टेलीविजन भी किया, टेलीविजन भी किया। तो डड्डू जी को मैंने, डड्डू जी बोलते हैं, मतलब बोला एमके, मुझे एमके बोलते हैं, यू नो अमिताभ बच्चन, यू नो इज अमिताभ बच्चन, यू नो व्हेन वी आर शूटिंग ऑलवेज पहले पहुंच जाता है, और मैं भड़कता हूं कि ये पहले कैसे पहुंच गया, मुझे पहुंचना चाहिए पहले। ये बोलता है मुझे इतनी अंदर से हो रही थी, एक बार खंडाला में शूटिंग थी, बोला मुकेश, मैंने कहा चलो ये खंडाला है यहाँ पर तो मैं पहले पहुंच ही जाऊंगा, इस आदमी को मैं डिफीट करूंगा। बोलता मैं सुबह सुबह उठ गया 4:00-5:00 और मैं भागा अपनी गाड़ी लेके, ड्राइवर को कहा चल फटाफट, ऊपर पहुंच गए, सारा खाना, कोई अभी तक यूनिट नहीं आई थी, आज मैं पहले बार आया हूँ, ऐसे करके घूम रहे हैं तो ऊपर से आवाज आई, भाई ही वाज सिटिंग टॉप ऑफ द चेयर लेके, कमाल पंचुअलिटी। तो वो आदमी सोता कब है? इट्स अमेजिंग, ये बात सही है, मतलब कम सोता। देखिए ना मुकेश भाई, इट इज दीज फीचर्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी एंड हिज पैशन फॉर वर्क दैट आफ्टर सो मेनी ईयर्स, आई मीन इज देयर एट हिज प्लेस एंड मैंने उनकी फिल्म देखी ऊंचाई, सर क्या फिल्म है सर, काम मैंने बहुत ऊंचाई देखी है, मैं अभी देखना, सब देखिएगा, इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। आपने इतनी फिल्में की, और मुझे याद आ रहा है कि हमने शायद एक फिल्म पांडव की साथ में, जिसमें आप मेन विलन थे और हम लोग 5 थे, अक्षय, मैं और 5 लोगों को, आप मेरी वाइफ को मार देते हैं और हम तीनों बदला लेते हैं आपको, यू नो
वो याद होगा आपको, डड्डू सिद्दीकी की फिल्म। जी जी, उसके पहले भी हमने शायद अमानत की और काफी फिल्मों में हम एक दूसरे से टकराए हैं कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं यू आर देयर। बट ऑफ कोर्स यू हैव डन कितनी फिल्में? 600 और मैंने 60 किए सिर्फ, इतना फर्क है मेरे में, पर मैं कहीं ना कहीं आपसे टकराया हूं। तो सर अगर आपने, मैंने 600 किए और आपने 60 किए, तो फिर ये जो इंटरव्यू है मुझे आपका लेना चाहिए, आप मुझे ज्यादा ले रहे हो। नहीं साहब, कम कम वाला ज्यादा से लेता है। मैं पूछूंगा आपने इतनी फिल्में कैसे कर ली, मैं जिसको भी पूछता हूँ 2000 गाने गाए, बोला मैं सर 800 फिल्म का। मैं कहा तब करते कब हो। मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि इनके साथ काम करना भी एक अपने आप में एक जुनून होता है, एक एक इनकी इनकी जो वाइब्रेशन है मेरे में आ जाती है। क्योंकि देखिए, जैसे इन्होंने कहा अमिताभ बच्चन से काम करने का मतलब आपको एक एक तरह का एक वायरस जीते, ये भी कम नहीं है। इनके साथ काम करो तो देखिए, मैंने जब मैंने आर्यमान बनाई, शक्तिमान के बाद बनाई, शक्तिमान से के बाद क्या बनाऊँ हमको समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने कहा चलो यूनिवर्स में चलते। तो दैट वॉज एक्चुअली रीमेक नहीं बोल सकते, बट इंस्पायर्ड फ्रॉम स्टार वॉर्स, जिसमें मैं वो रहता हूँ, एंड आई वाज प्लेइंग जेडाई, जेडाई, ही वाज प्लेइंग जेडाई, एंड कमाल की बनी। अगर बिगिनिंग के 25 वो देखे ना एपिसोड, आपको ऐसे स्पेशल इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे। मेरे मेरे बिजोन दास गुप्ता वाज माय आर्ट डायरेक्टर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, प्यारेलाल जी। वन थिंग आई ऑलवेज एडमिट दैट यू हैव ऑलवेज वर्कड ऑन योर टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ व्हाटएवर प्रोजेक्ट यू हैव डन, एंड यू सी, आई मीन हर रोल शक्तिमान तो नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। हर रोल भीष्म तो नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। तो कुछ रोल होते हैं जिससे, देखिए क्या होता है ना मुकेश भाई, कि जिंदगी के अंदर ना एक्टरों के लिए ना एक फोर्ट होता है, एक किला होता है जो बनाते हैं। और जैसे अमजद भाई का किला जो था वो गब्बर है, यस, अमरीश जी का किला जो है वो मोगैम्बो है, मोगैम्बो है, कुल जी का किला था शान के जो कैरेक्टर था, मेरा किला अकबर, लोटिया पठान, आपका लोटिया पठान, तेजाब, आपका किला भीष्म पितामह, और आपके तो दो किले हो गए, किले एक भी नहीं, पहली बार किसी एक्टर को दो किले में। हाँ, दो किले। तो देखिए देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ये जो एक्टर्स की जो योनि में हमें जन्म दिया गया है, भोलेनाथ ने, इज वेरी मच कनेक्टेड टू यू, तो क्या है, देखिए जब भगवान बैठ के डिसाइड करते, रचना कर रहा था ना अपने लोगों की, कि ये बिजनेसमैन है, ये है, ये वो है, ये क्रिकेटर है, ये वो है, ये कॉर्पोरेट का है, लेकिन जब वो एक्टर की रचना कर रहा था ना, तो उसने बड़े प्यार से उस पुतले को लेके बड़े प्यार से उसकी रचना की, रचना की, उसने एक्टर की रचना गढ़ा, गढ़ा उसको, हाँ, उसको गढ़ा। ओके, हमें लगता है, मुझे ये लगता है कि एज एन एक्टर हम लोग, वी आर गॉड्स चोजन वंस, कि भगवान ने बहुत हमको चूज करके हमको बनाया गया। देखिए कहाँ किस प्रोफेशन में होता है मुकेश भाई, आप मुझे बताइए कि जो आप काम करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े बिल्डर ऑफिस में बैठते हैं तो बोर हो जाते हैं, लेकिन हम जब अपने काम करने निकलते हैं तो हम हर दिन चार्ज रहते हैं, हमें वी इंजॉय द वर्क वी डू, वी लव द वर्क वी डू। फिर हमें आउटडोर ले आता है प्रोड्यूसर, हमें 5-star होटल में, 7-star होटल में हमें रखता है, फिर हमें घूमने के लिए गाड़ी देता है, फिर हम यहाँ शॉपिंग करते हैं, वहाँ शॉपिंग करते हैं, फिर हमारे खाने पीने का पैसा देता है, हमारी टिकट का पैसा, बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास का पैसा खर्च करता है, उसके बाद शूटिंग करने के बाद जो से हमने बहुत प्यार किया है उसके बाद हमें पैसे भी मिलते हैं। तो एक मैं ये मानता हूँ कि जो एक्टर जो जो जात है ना, वो बहुत ही ऊपर वाले की बहुत ही स्पेशल और बहुत ही प्यारी जात, खुशकिस्मत समझिए, खुशकिस्मत समझिए। देखिए मैं इसको अगर और तरह से बोलूं भाई जी, ये जीवन एक रंगमंच है, यू नो, जैसे कि एक बार राजेश खन्ना ने आनंद में भी कहा था, हम सब रंगमंच की पुतलियां हैं, कौन कब कहां उठेगा। इट इज ट्रू, भगवान ने एक माया नगरी बना के डाल दिया है, चलो खेलो, अभी देखता हूं आप अच्छे काम करते कि बुरे काम करते, दिस इज व्हाट वी आर, सोल आर प्लेइंग। बट उसी के बीच में एक कॉम है जिसका नाम है कलाकार, जो स्टेज पे बोलो या फिल्मों में बोलो, वो उसी के अंदर भी वो रोल क्रिएट करता है। चल तू रावण, मैं राम, या तू किलविश, या तू जडाई, ये मैं वो, सब भी तो हम भी वो। एक महीने के अंदर आप कितने मुख्तलिफ इंसान बन जाते हैं। यस, अगर आप 30 दिन शूटिंग करते हैं तो उस 30 दिन में आप अलग अलग इंसान बन जाते हैं। कहां मौका मिलता है ऐसा करने के लिए? मैं कहता हूं कि ये जो होता है आप एक इन सब हमारे मनुष्यों के बीच में एक कला, हालांकि हमारी कला को थोड़े से बुरी नजर से आजकल देखना शुरू कर दिया, अरे आपके यहाँ ड्रग्स चलता है, आपके यहाँ पर ये चलता है, बट ये कौम है जो जिस जो हमेशा कहती है कि कहाँ मिलेगा आपको, पूरा वर्ल्ड घूम के आते हैं प्रोड्यूसर के पैसे से, हमारे को सब कुछ मेहनत करते हैं, उसके पैसे भी देते हैं, हम आउटर भी गए उसके ऊपर से पैसे, ये कहाँ मिलेगा आपको।
ना पॉलिटिशियन की लाइफ में मिलेगा ना डॉक्टर की। ऊपर से सबसे बड़ी बात है कि आपके घर के नीचे जो नेचुरल आइसक्रीम है, आइसक्रीम का जो आउटलेट है, वहां जाते हैं तो फिर वहां पर भी आपको देख के लोग भीड़ लगा लेते हैं। What do you want? बच्चे की जान लोगे क्या? सर एक बात बताओ, आप भी थोड़ा फैसिनेटेड हो जाओगेगा अपने अमिताभ बच्चन की बात की। ये मैंने सुना है, मुझे पता नहीं सही है कि नहीं, पर मैं मान गया हूँ, हिचकॉक द बिगेस्ट यू नो क्रिएटर ऑफ हॉलीवुड, व्हाट डायरेक्टर, यू नो ही वाज वंस आस्क्ड बाय अ जर्नलिस्ट, मिस्टर हिच, व्हाट वुड यू बी लाइक टू बी इन योर नेक्स्ट बर्थ, यू नो व्हाट ही सेड, आई हैव रेड दिस, अमिताभ बच्चन, he said, why you are so big, you have got everything in this life, you got, yes, you got money, you got the name, but the, but I don't have the adulation which they get there. Yes, fact is sir, ye adulation sir Indian film mein Mukesh bhai, maine ek bar Nataraj mein hum shooting kar rahe the, bhai kaun si film, I think unki film thi, Sagar saab ki film thi, aur saath hi wale set ke upar na Kaka saab Rajesh Khanna ji shooting kar rahe the sir. Rajesh Khanna peak of his popularity, theek hai, पीक ऑफ हिज पॉपुलैरिटी, उस वक्त आनंद okay. होगा यार। मुकेश भाई ये मेरी आंखों देखी बात है, उनकी एक वाइट गाड़ी हुआ करती थी, जब हम बाहर लंच ब्रेक में आया तो उस वाइट गाड़ी पे सिर्फ लिपस्टिक के निशान थे। मैंने सुना ये मैंने अपनी आंखों से लिपस्टिक सब जगह लिपस्टिक लिपस्टिक मैंने अपनी आंखों से देखा। really? राजेश खन्ना वॉज दी द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ द टर्म कॉल्ड सुपरस्टार एंड सर मुझे ये लगता है कि उनके बाद अगर कहीं कोई इसके नजदीक पहुंचा है तो सलमान। really? Yes, not अमिताभ बच्चन। बच्चन साहब इज अ सुपर एक्टर, अच्छा स्टार इज एन सुपर स्टार, सलमान को बहुत बड़े स्टार हैं। व्हाट अबाउट रजनीकांत? रजनीकांत का तो कोई जोड़ी नहीं है, जोड़ी नहीं। एक बात सर पूछूंगा, आपको शायद बुरा ना लगे, पूछू पूछे मुझे, मैं उस लेवल पे आ गया हूँ अपनी शख्सियत के अंदर या अपने वजूद में कि अब मुझे किसी भी बात का बुरा नहीं लगता है। सर मैंने मेट्रो में आपकी एक फिल्म देखी थी, आई थिंक उस वक्त आपने शायद गुजराती फिल्मों में एज ए विलन भी किया है। जी मैंने मेरी पहली पिक्चर मैंने गुड़वादू थी, हाँ वही देखी थी मैंने, पर मुझे कहीं ना कहीं और लोगों ने भी कहा है बाद में काका की छाप आती थी राजेश खन्ना की आपके परफॉर्मेंस में। सर बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है। मैं आपको उसके पीछे एक कहानी सुनाऊं? बताइए बताइए। मैंने कहा आपको शायद बुरा ना लगे। नहीं बुरा क्यों लगना है, नहीं लगना चाहिए, बुरा क्यों लगना है? जिंदगी के अंदर हर इंसान अच्छा ही नहीं होता, उसमें कुछ फॉल्ट भी होते हैं। मैं आपको बताऊं, दिस इज नॉट फॉल्ट, दिस इज योर टेकन। नहीं मैं आपको एक चीज उसके बारे में उसके बारे में आपको, आई वुड लव टू हियर दैट, बिकॉज़ सर मैंने एक फिल्म की थी सवेरा, सवेरा यस यार। अब आप सोचिए छाप क्यों आती थी, मैं आपको सुनाता हूँ। और जो प्रोड्यूसर थे वो गुरनाम साहब थे, गुलाम साहब काका जी के सेक्रेटरी थे, गुलाम सेक्रेटरी जो था जी हां, और जो डायरेक्टर थे उनका नाम था वीके शर्मा जी, जो काका जी के गुरु थे, गुरु थे काका जी के, गुरु काका जी के गुरु थे, मैं जानता स्टेज के गुरु थे। और उस पिक्चर में जो पैसा लगा था वो काका जी का लगा हुआ था। अच्छा जी जी हां मैं जानता हूं, वो मतलब गुलाम का नाम था लेकिन पैसा काका जी का था। अब सीन्स लिखे होते थे तो काका जी जब यहां अपने काटर रोड पे रहते थे, डिंपल नाम था बंगले का, फिर आशीर्वाद हो गया, तो शाम को हम लोगों को वहां पर समन किया जाता था, बुलाया नहीं जाता था, समन 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 यू आर समन कि काका साहब इज कॉल्ड कम, हम लोग पहुंच जाते थे। अब वो बोलते थे अच्छा भैया दो अभी कल शूटिंग है तो सीन जरा वीकेंड निकाल, सीन जरा निकाल। हाँ क्या? अब सर वो सीन पढ़ते थे, फिर हमारे सामने बोला देखो ये सीन ऐसा है, इसमें मैं तुमको करके दिखाता हूं, करके दिखाते थे, मैं तुमको करके दिखाता हूं, वो करके दिखाते थे सर। अब राजेश खन्ना इतने बड़े स्टार थे सर कि जो वो करके दिखाते थे वो हमारे दिल में छप जाता था। जिस तरह मेरे साथ कलिंगा में हुआ दिलीप साहब के साथ, दिलीप साहब हाँ। सब दिलीप साहब थे उसमें, मैंने सुना दिलीप कुमार, ग्यारह दिलीप कुमार साहब थे, ग्यारह दिलीप कुमार, क्योंकि इतना बड़ा स्टार अगर आपको करके दिखाए तो उसके आगे आप क्या करेंगे? आप कर भी नहीं पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिल्म बन के सर ये चीज हुई एंड उसको मैं एडमिट करता हूँ, और बड़े मुश्किल वो आपके दिमाग में घुस गया, परफॉर्मेंस में वो आ जाता था, आ जाता था, चाल आ जाती थी। देखो मैं इंस्टीट्यूट से निकला हुआ था उस वक्त, आप तो बहुत मेरे से कुछ पांच दस साल पहले के, दस साल मैं मेट्रो, हाँ दस साल मैं मेट्रो में बैठा था, मेट्रो में देख रहा था तो आपकी स्टाइल नो इनके काका की एक 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 ये होता है स्कूल ऐसा दिखता था, स्कूल ऐसा था ना वो शुरू हो गया सही बट आई बट आई बट यू हाउ यू आई हैव नो रिग्रेट्स हाउ यू केम आउट ऑफ इट आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट इट नो रिग्रेट्स हाउ यू केम देन आई रियलाइज कि नहीं यार व्हाट आई एम डूइंग इज रॉन्ग खुद बनो खुद खुद So I changed myself and today because today I am very much performing like आज की तारीख में मुकेश भाई मालूम क्या रूल है कि not acting is acting
ये बात मैं आप लोगों को समझना चाह रहा हूँ। सबसे बहुत डिफिकल्ट जो होंगे जो अभी अभी फिल्म इंडस्ट्री में ज्वाइन करना चाह रहे होंगे, मैं आपको एक गुरु मंत्र सुनाऊं कि टुडे नॉट एक्टिंग इज एक्टिंग। मुझे कलिंगा के अंदर ना मुकेश भाई एक बहुत कमाल की बात यूसुफ अंकल ने कही। यूसुफ अंकल बचपन से मेरे को मुझे जानते हैं, मेरे डैडी के दोस्त थे, हम बैडमिंटन खेला करते थे साथ में। तो बोले कि किन्नी बोलते थे मुझे, बोले किन्नी जब मैंने उनका शूटिंग की जब वो डायरेक्टर थे, वो किन्नी बोलते हैं बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा बोलता है बेटा, लेकिन सुनना सीख। सुनना सीख बड़ी बात, बोलता बहुत अच्छा है लेकिन सुनना सीख। अगर जैसे आप बात कर रहे हैं मुझसे और मैं आपकी बातें सुन रहा हूं तो मुझे एक्टिंग की जरूरत ही नहीं है, अपने आप मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन आ रहे हैं, रिएक्शन आ रहा है। तो उन्होंने ये बोला कि जब आप सामने वाले एक्टर को आप सुनेंगे तो आपको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, आपके चेहरे पे वो भाव आ ही जाएंगे, अपने आप ही आ जाएंगे। व्हिच इज द बेस्ट एक्ट, व्हिच इज द बेस्ट थिंग टू डू, यू डोंट हैव टू एक्ट, यू हैव जस्ट बी नॉर्मल। लोग पहले क्या करते हैं, आप डायलॉग बोल रहे हो, हम आपकी क्यू की वेट करते, क्यू की वेट करते भाई, लास्ट टाइम आ जाए उस मिनट का कर दूंगा मैं तुम्हें, तो वेट करते कर दो। अरे आपने कर दूंगा नहीं मेरा तो फफला जाता है, कर दूंगा नहीं तो बोला नहीं आपने, कुछ नहीं मालूम आपने, क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या करेंगे, वेट करते हैं कि लास्ट लाइन का क्या क्यू है, उसके बाद मेरी लाइन, तो वो क्या परफॉर्म करेंगे। सो भाई मैं यहाँ पर आपको ये कहकर यहीं पर समाप्ति पे लाऊंगा कि ये दिस इज नॉट द एंड ऑफ अवर मीटिंग, ये बीच में एक प्लेटफॉर्म है, ये एक पड़ाव है, क्योंकि कई बातें रह गई हैं अभी आपसे बात करने की। हाँ, भी बोलेगी आपने ये नहीं बोला, जैसे आपके YouTube पे आएगा ना चैनल, अगर आप लोगों की लाइक्स बढ़ी तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आज दोबारा मैं मुकेश भाई के साथ बैठूंगा और फिर हम बात करेंगे। और हाँ, लेकिन ये है कि मुझे ये मालूम पड़ना चाहिए कि आपने जो आज का जो मेरा और मुकेश भाई की बातचीत सुनी, देखिए इंटरव्यू मत कहिएगा, जो बातचीत सुनी मैं हमेशा कहता हूँ, वो आपने एंजॉय किया, अगर आपने एंजॉय किए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, जैसे आपकी लाइक्स बढ़ेंगी तो मुकेश भाई दोबारा मुझे बुलाएंगे और फिर मैं और मुकेश भाई बैठ के बात करेंगे, फिर खाना ना साथ में खाएंगे और मुकेश भाई की कॉफी पियेंगे, मुकेश भाई के इस मग में द मुकेश खन्ना शो। और आई एम श्योर कि इस सेशन के बाद ये जो मुकेश खन्ना शो का जो ये मग है ये मैं अपने साथ ले जाऊंगा। अरे आपको सर मैं उसी पे आ रहा था, हमारे बीएसएम इंटरनेशनल में कई बार बोल चुका हूँ किसी भी गेस्ट को खाली हाथ नहीं भेजते भाई, हमने ये आपके आपके संज्ञान में आ गया होगा कि ये मेरा सेकेंड सीजन है मुकेश खन्ना शो का, मैंने अब तक कम से कम 60 लोगों का इंटरव्यू कर चुका हूँ। इसमें थोड़ा सा चेंज किया है कि लोग मुझसे कहते हैं सर गेस्ट को बोलने दिया कीजिए ना सर, मेरी आदत है मैं कोई ऐसा हाथ बैठता नहीं हूं, हम लोग इंटरक्ट करते हैं, ये कन्वर्सेशन है, हमने एक फॉर्मेट बनाया कि मैं चुप बैठूंगा, ये मुझसे एक सवाल पूछेंगे पहले, तो आपको मुझसे एक सवाल अगर पूछना हो तो क्या पूछेंगे और मुझे जवाब देना। मुकेश भाई मैं देखिए आपके करियर के बारे में एज एन एक्टर मैं खूब जानता हूँ, आपने जो ख्याति आपको मिली है, जो पॉपुलैरिटी आपको मिली है, जिन कैरेक्टर से आपको पॉपुलैरिटी मिली है, आपको भीष्म पितामह से मिली है, आपको शक्तिमान से मिली है, इसके बारे में मैं वाकिफ हूँ, मैं जानता हूँ इस चीज़ के बारे में, आपकी हर चीज़ मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपके करियर को मैंने फॉलो भी किया है, आई हैव सीन इट एंड यू हैव अ वेरी नाइस करियर एंड यू आर अ पर्सन हु बेसिकली लिव्स फॉर हिज ओन सेटिस्फैक्शन। पर्सन हूज मैं मुकेश खन्ना को कभी भी किसी रैट रेस में नहीं नजर आता मुझे, मुकेश खन्ना अपने हिसाब से काम करते हैं, मुकेश खन्ना अपने हिसाब के रोल करते हैं, मुकेश खन्ना विलन नहीं बनते हैं, मुकेश खन्ना दाढ़ी नहीं लगाते हैं, मुकेश खन्ना मालूम पड़ा कि रोमांटिक सीन्स भी नहीं करते हैं, रोमांटिक सीन्स भी नहीं करते हैं। अब एक सवाल यह है जो हर हर कोई जो है वो सलमान से बहुत पूछता है कि मुकेश भाई शर्ट क्यों, नहीं 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 क्या सलमान से पूछते हैं कि भैया आप शादी कब करोगे, सलमान मेरे को मत पूछो वो सवाल, मैंने पूछ लिया क्योंकि आपने कहा कि मैं कोई भी सवाल आपसे पूछ सकता हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप इसका जवाब दें, देखिए मैंने आपसे सवाल किया इसका जवाब अगर आप देना चाहें तो दें, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके पास सब कुछ है, आपका फर्स्ट क्लास ऑफिस है, मैं ये भी जानता हूं कि आपका पवई में जो आपका जो रेजिडेंस है वो इतना बड़ा रेजिडेंस है कि उसमें कम से कम छह फैमिली तो बड़े आराम से रह सकती है, लेकिन उस भगवान की दया, भोलेनाथ की दया आप पर मुकेश भाई, आपको बहुत ब्लेस्ड इंसान हो, लेकिन क्या है कि कभी ना कभी मुकेश भाई क्या होता है कि मेरी भी शादी को करीबन 35 इयर्स हो गए जी, अभी क्या है ना कि एक ऐसी स्टेज जिंदगी में आ गई है कि बीवी के साथ एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल रिश्ता इश्क है, लेकिन इश्क का जो लेवल है ना वो अलग होता है, अलग हो जाता है जहां पर फिजिकल इश्क टेक्स अ बैक सीट, नहीं रखता कोई मायने नहीं रखता, जहां पर एक दो आत्माओं
का मिलना जरूरी होता है, बिकॉज मुझे मालूम है कि अगर मैं कहीं एक जगह खामोशी से बैठा हूँ तो मेरी बीवी को मालूम पड़ता है कि मैं उस वक्त क्या सोच रहा हूँ. देखिए मैं एक चीज और बताऊँ, क्या आपके पास आया, आपने मुझे लंच पे इन्वाइट किया. मेरी बीवी जानती है कि मैं मसाले और मिर्ची नहीं खाता, तो मेरी बीवी ने सुबह ही मेरा खाना वाना बना के रख दिया है, बोले ये भी आप ले जाओ और मुकेश भाई के साथ शेयर करना है जरूर, उनको भी खिलाना. हाँ उनको भी खिलाना. मैंने ठीक है वंडरफुल, तो मैं मतलब इतना वो मेरा ख्याल रखते हैं. मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ तो वो मुझे अकेले नहीं जाने देती. गाड़ी अगर चलाना चाहूँ गाड़ी का नाम ही बीवी जी वो मेरी पत्नी है, मेरी वो अर्धांगिनी है. दो हाथ अर्धांगिनी जो हिंदी में जो लफ्ज है ना अर्धांगिनी, आधे अंक की मालिक तो अर्धांगिनी जो होती. मतलब मैं ये सोच रहा था कि कभी शायद शायद आपको जिंदगी में एक ऐसे इंसान की जरूरत पड़े जो आपका ख्याल करे. नहीं जवाब मिले नहीं सर, बहुत बहुत अहमियत वाला सवाल है. हाँ. और इसका जवाब भी ऐसा नहीं है कि मैंने कभी इस पे सोचा नहीं. हाँ. बट देखिए क्या है भाई, मैं बिलीव करता हूँ, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि बीवी को पता चल जाता है. कि आजकल मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, लोग कि आप दो आत्माएं साथ में आती हैं, रहती हैं 25 साल 30 साल 35 साल, एक दूसरे का प्रतिरूप बन जाती है. तो मेरा ये कहना है कि मेरे यहाँ लिखा होना चाहिए सर. हाँ. और कोई लड़की अभी तो पैदा नहीं होगी मेरे लिए. नहीं बिल्कुल नहीं, कोई ना कोई होगी. जिस दिन होना होगा उस दिन हो जाएगा, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा. और मुझे सबसे पहले आप इनवाइट करेंगे भैया, मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आऊंगा सर. सर बहुत बड़ी बात है, मैं मैरिज इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा फेवर करने वाला आदमी. यह अलग बात है कि मैं मैरिड नहीं हूं, बट मैं जितना बोलता हूं मैं तो कभी कभी कुछ एक कदम आगे बढ़ जाता हूं. सब लोग कहते हो पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, पतिव्रता होना चाहिए. पति को क्यों नहीं बोलते कि पत्नीव्रता होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए. बोलता हूं तो मैं सर इसको इज्जत करता हूं. जी जी बिल्कुल. पर अगेन डेस्टिनी. सो लेट्स लीव इट एट दैट. क्वेश्चन इज नॉट आंसर बट इट इज आंसर. इट इज आंसर. इट इज आंसर. मैं एंड में, हमारे यहाँ पर बीजेम इंटरनेशनल की एक परंपरा है कि हम जाने वाले को खाली हाथ नहीं भेजते. हम ये आपका भीष्म इंटरनेशनल की तरफ से ये शो की घड़ी है. अरे ये आपको याद दिलाएगी कि हमने बैठ के बात की थी सर. वो तो घड़ी ना भी हो तब भी मुझे याद आएगा. आपको याद रहेगा, लेकिन अगर ना याद है तो फिर इसमें कॉफी पी लीजिए तो वो फिर याद आएगा. जी हाँ, कल सुबह की कॉफी जो है वो मुकेश खन्ना शो के मग में पी जाएगी. मैं आपको बता दूं ये घड़ी है और कल का जो वक्त है वो इस घड़ी में देखा जाए. और इनके साथ मैं ऐड कर दूं कि अगर आप भी अपने घर में इनकी इसकी शोभा शोभा अपने घर में बढ़ाना चाहते हैं तो आप भी इसे पा सकते हैं. आपको खरीदना पड़ेगा अमेजोन में. अमेजोन पर ये ऑलरेडी हम चला चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, लेट अस कम टू द एंड ऑफ आवर शो. यस भाई, ये मैंने जैसे कहा कि आपको फिर मैं कभी भी बुलाऊं आपको आना पड़ेगा. जैसे लाइक्स बढ़ेंगे मैं आऊंगा. हाँ नहीं सर, मैं लाइक अनलाइक को छोड़ के भी बुलाऊंगा. नहीं, 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 मैं आप आओगे लेकिन क्या अच्छा लगेगा मुझे. अच्छा बहुत लगेगा. और लाइक क्यों नहीं मिलेगा, ये जो बातचीत हमारी हुई ये आप लोगों ने एंजॉय की. देखिए एक्टर के लिए ऑडियंस की एंजॉयमेंट, ऑडियंस की आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी होती है. तो अगर आप लोग एंजॉय करेंगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी बजाइएगा बेल आइकन. और मुकेश भाई मुझे बुलाएंगे मैं आऊंगा. मैं ये कहता हूँ, जैसे एक एक्टर का अच्छा शॉट दे दे किसी फिल्म में या किसी सीरियल में, एक शॉट अच्छा दे पूरा दिन अच्छा सर. वो बचपन की ताली की तरह है. बचपन की ताली, वो जो आपको ताली मिली जी, तो इसीलिए इनका ये कहना जरूर. और मैं कहता हूँ लाइक क्यों नहीं होगा साहब, हमने क्या किया? ये नहीं मिलेगा इंटरव्यू आपको, ऐसा इंटरव्यू नहीं मिलेगा. इम्पॉसिबल. शायद मैंने इतने इंटरव्यूज किए होंगे, शायद इतना फ्रीडम, इतना इतना ऑनेस्ट और इतना सिंसियरली इन्होंने सवाल पूछे और मैंने बिल्कुल ऑनेस्टली मैंने इस चीज का हर सवाल का जवाब दिया. मुंबई से लेकर मानसरोवर तक का इन्होंने जवाब दिया सर. आत्मा का ऊपर जाने तक का जवाब दिया. ये कौन से इंटरव्यू में आपको मिलेगा? तो इसलिए लाइक तो होना ही है, सब्सक्राइब होना है, आपको आना है. सो थैंक यू वेरी मच. तो ये थे हमारे श्री 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 किरण कुमार जी. आप लोग समझते होंगे कि विलन है तो तंबाकू खाते होंगे, सिगरेट पीते होंगे, शराब पीते होंगे, लड़कियों से छेड़छाड़ करते होंगे. ये हम हमेशा इवन प्राण साहब के बारे में भी यही कहा जाता था. कई ने तो मुझे एक अच्छी बात कही थी कि सर 1947 के बाद में आपको कोई भी घर का बच्चा नहीं मिलेगा जिसका नाम प्राण रखा गया हो. यानी उनका इम्पैक्ट इतना था कि माँ बाप बोलते प्राण नहीं रखना, प्राण नहीं रखना. मैं बता दूं ये एक धारणा है हमारे यहाँ पर. हम विलन्स चाहे वो डैनी हो, चाहे वो
प्राण साहब हों, चाहे वो प्रेम चोपड़ा जी हों, चाहे रंजीत हो, चाहे किरण कुमार जी हों, हम सब समझते हैं कि रियल लाइफ में भी यही इसी तरह से पान खाते होंगे, शराब पीते होंगे, लड़कियों को छेड़छाड़ करते होंगे, लेकिन आपको बता दूं ये जितने भी विलन्स हैं बहुत शरीफ इंसान होते हैं। कारण मुझे नहीं पता, या तो फिल्म में इतना कुछ कर जाते हैं तो उनका दिल नहीं होता इस तरह की बातें करने का। आध्यात्मिक होते हैं, अच्छे होते हैं, सरल इंसान होते हैं। तो ये थे हमारे किरण कुमार जी। मैंने भी बहुत कुछ जाना इनके बारे में, बहुत टाइम से मैं इनको कह रहा था कि आइए 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 आइए, और इवन मैं इनको कह रहा कि आइए, वो मेरे स्पेशली मेरे मंदिर की मूर्ति को देखना चाहते थे भोलानाथ जी के, और मुझे आपने देखा इंटरव्यू में बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। तो हम यहाँ पर उनसे विदा लेते हैं इस उम्मीद से कि अगली बार मैं किसी और ऐसे सरप्राइज गेस्ट को लेकर आऊँगा। किसको लाऊँगा मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन लाऊँगा आपकी इच्छा के साथ ही लाऊँगा। बहुत लोग कहते हैं सर आपके आपके शो में आप सर गेस्ट लेकर आते हो ना सर, सर हम सरप्राइज हो जाते हैं, आप आपकी चॉइस ऑफ गेस्ट बहुत अच्छी है सर। लेट अस इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में।